राधे राधे प्यारे साथियों, प्रद्योत गुरुकुल में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं प्रद्योत और आप प्रद्योत गुरुकुल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज हम एक और बेहतरीन क्लास लेकर आए हैं आपके लिए, जो आपकी परीक्षा के लिए होने वाली है, बेहद खास। जी हां, हिंदी टीजीटी पीजीटी में संस्कृत साहित्य और संस्कृत व्याकरण से कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और संस्कृत साहित्य संस्कृत व्याकरण के प्रश्न विद्यार्थियों के बहुत बड़ी मात्रा में गलत होते हैं। यह प्रश्न निर्णायक भूमिका निभाते हैं आपकी सफलता में। तो आज हम संस्कृत साहित्य की प्रमुख रचनाएं, इम्पोर्टेंट तथ्य लेकर आए हैं। इसमें हम संस्कृत साहित्य की महत्वपूर्ण रचनाएं पढ़ेंगे और उनसे जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य सार रूप में पढ़ेंगे। सार रूप का मतलब संक्षेप में पढ़ेंगे, सारांश के रूप में पढ़ेंगे। जो तथ्य हैं वो आप सीधे सीधे नोट करते चलेंगे, समझते चलेंगे, याद करते चलेंगे और वो आपकी परीक्षा में सीधे सीधे तथ्य मिल सकते हैं। चलिए तो बिना किसी देर के आज की क्लास शुरू करते हैं। संस्कृत साहित्य प्रमुख रचनाएं, इंपॉर्टेंट तथ्य। चलिए भैया जी, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को ये साउंड कैसा आ रहा है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा है लग रहा है। हमने ग्रंथ पहले लिख रखा है, इसलिए सबसे पहले ग्रंथ, उसके बाद काव्य विधा, किस विधा का ग्रंथ है ये हम चर्चा करेंगे, उसके बाद सर्ग या अंक, नाटक होगा तो अंक और काव्य है क्या है तो उसमें सर्ग कितने हैं, इसके बाद अंगी रस, प्रमुख रस कौन सा है, ठीक है अंगी रस, ठीक, आधार ग्रंथ ठीक, इसके बाद नायक नायिका, उसके बाद अन्य पात्र, अब ये बन नहीं रहा है, चलो थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं। ये लो ठीक है, सही है, चलो ऐसे ऐसे और ये ठीक। ग्रंथ, काव्य विधा, सर्ग छोटा होना चाहिए, अंगिरस, आधार ग्रंथ, नायक नायिका और अन्य पात्र, चलो भैया सही है। थोड़ा बहुत टेढ़ा हो गया है, सीधे ऐसे जल्दी में खींच दिया है, ठीक। तो अब देखते हैं सबसे पहले हम चर्चा करेंगे गीत गोविंद की, ठीक है गीत गोविंद। ठीक, गीत गोविंद ये गीत काव्य है, इसकी विधा पूछी जाएगी तो कौन सी है, गीत काव्य, ठीक है। अब गीत गोविंद में ये पूछे जाए सर्ग कितने हैं, तो सर्ग इसके 12 सर्ग हैं,
गीत गोविंद में कितने सर्ग हैं? 12। बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। गीत गोविंद में कितने सर्ग हैं? 12 है। अंगिरस श्रृंगार रस है, पूछा जाएगा गीत गोविंद में कौन सा रंग, कौन सा रस प्रधान है, तो श्रृंगार रस है, ठीक है। और आधार ग्रंथ इसका कुछ भी नहीं है, सीधे सीधे नायक श्री कृष्ण और नायिका राधा, ठीक। अन्य पात्र गोपियां, ठीक। चलो अब इससे आपको ये तथ्य मिले, गीत गोविंद संस्कृत साहित्य का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। गीत गोविंद गोविंद श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, ठीक है। तो गोविंद के आधार पर आप याद रखेंगे ये 12 सर्ग की रचना है। हिंदी में विद्यापति ने इसी गीत गोविंद को अपना आधार माना है, ठीक है। और राधा कृष्ण को नायक नायिका विद्यापति ने स्वीकार किया है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है और बहुत अच्छा ग्रंथ है, ठीक है। राधा कृष्ण इसके, कृष्ण और राधा इसकी क्या है, नायक और नायिका है, ठीक है। चलो भैया अब देखते हैं अगला, अगला देख लो गीत गोविंद के बाद। रघुवंशम, रघुवंशम, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, बहुत महत्वपूर्ण महाकाव्य है, ठीक है। महाकाव्य है, कौन सी विधा का ग्रंथ है ये, महाकाव्य। और कालिदास द्वारा रचित लघु त्रयी के अंतर्गत ये आता है, महाकाव्य है, ठीक है। सर्ग पूछे जाएंगे तो इसमें सर्गों की संख्या कितनी है, 19। सर्गों की संख्या कितनी है, 19, ठीक है। 19 सर्ग हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। श्रृंगार रस प्रधान है ये, ठीक। आधार ग्रंथ रामायण है, ठीक है। रघुवंश का आधार ग्रंथ कौन सा है, रामायण। नायक राम है और नायिका सीता है। कुछ लोग रघु को भी नायक मानते हैं, रघु के नाम पर रघुवंश लिखा गया है, ठीक है। अन्य पात्र इसमें बहुत सारे पात्र हैं, अब वो पात्र यहाँ बनने वाले नहीं हैं, जैसे दिलीप परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। जैसे नंदिनी, नंदिनी गायत्री, रघु, ठीक है, अज और राम के वंश के सारे ही हैं, ठीक है। कौत्स, कुबेर, इंदुमती, दशरथ, नारद, श्रवण, रावण, विश्वामित्र, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, लव, कुश, वाल्मीकि, ठीक है, अथित, अग्निवर्ण। तो ध्यान रखेंगे इसमें अंतिम जो राजा है वो अग्निवर्ण है, ठीक है। ये प्रश्न पूछा जाता है, आप याद रखेंगे। रघुवंशम से संबंधित कुछ तथ्य हो गए, चलो रघुवंशम के बाद अब हम बात करेंगे कुमार संभवम। कुमार संभवम, ठीक है। ये भी क्या है, महाकाव्य है। कौन सी ग्रंथ है, कौन सी विधा का ग्रंथ है, ये महाकाव्य है, ठीक। लेकिन इसमें एक तो बात आई नहीं, लेखक, लेखक वाला कॉलम तो बची गया, रचयिता, कवि, लेखक, ठीक है। तो गीत गोविंद किनका है, गीत गोविंद किनका है, ये जयदेव का है, ये कालिदास का है, ये कालिदास का है, ठीक है। कुमार संभवम में सर्ग पूछे जाएंगे तो रघुवंशम से 2 वर्ष छोटा है ये, 2 वर्ष का मतलब 2 सर्ग छोटा है, ठीक है। दोनों भाई भाई हैं, ये महा, ये रघुवंश बड़ा है और कुमार छोटा है, ऐसे याद रखेंगे। और दोनों भाइयों में कितने साल का अंतर है, 2 साल का, ये 19 साल का, ये 17 साल का है, ठीक है। कौन, कुमार, ये रघु और कुमार, ठीक। अब जो कुमार संभवम है
ये भी श्रृंगार रस प्रधान रचना है, ठीक है। कुमार संभवम में भी कौन सी रस प्रधान है? श्रृंगार। इसका उपजीव्य भी क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण, ठीक है। इसका उपजीव्य क्या है? श्रीमद् भागवत पुराण। पूरा नहीं लिखेगा तो हम यहाँ छोटे में लिखे दे रहे हैं भागवत, श्रीमद् भागवत पुराण है, ठीक है। कुमार संभवम में शिव नायक हैं, ठीक है, और पार्वती नायिका हैं। पार्वती कौन है? नायिका है, ठीक है। अब अन्य पात्रों में प्रमुख पात्र कार्तिकेय, प्रमुख पात्र कौन है अन्य में? एक लिखे दे रहे हैं कार्तिकेय, और भी हैं, ठीक है। प्रमुख पात्र अन्य पात्र में कौन है? कार्तिकेय, ठीक है। सिर्फ पात्र और यदि मौखिक सुनना चाहो जैसे हिमालय मुख्य पात्र में, अन्य पात्रों में है मैना, तारकासुर, ब्रह्मा, इंद्र, कामदेव, रति, ये अन्य पात्र भी हैं, ठीक है। ये कथा कहानियाँ आपने सब सुनी होंगी। चल अब बात करते हैं कुमार संभवम के बाद मेघदूत, ये भी कालिदास की रचना है, मेघदूतम, ठीक है, मेघदूतम। चलो ये मेघदूतम ये क्या है? ये खंड काव्य या गीत काव्य है, ठीक है। कुछ विद्वानों ने खंड काव्य कहा है इसे, कुछ विद्वानों ने गीत काव्य कहा है, ठीक। इसमें सर्ग नहीं है, इसमें दो खंड हैं। कितने खंड हैं? दो। अब इन दोनों खंडों के नाम आप ऐसे ही नोट कर लो, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ। आधा मेघ पूर्व मेघ पहले का और बाद का उत्तर मेघ, ठीक है। यहाँ बनेंगे नहीं इसलिए हमने यहाँ लिखा नहीं है, पूर्व मेघ और उत्तर मेघ, ठीक है। अब है रस, तो श्रृंगार रस ही है। श्रृंगार में वियोग प्रधान है, ठीक है, वियोग श्रृंगार। कथा का आधार ग्रंथ इसका रामायण ही है, और इसकी जो कथा है वो ब्रह्म वैवर्त पुराण से भी जुड़ी हुई है, और नायक इसका कौन है? मेघ नहीं, यक्ष और यक्षिणी, ठीक है। यक्ष और यक्षिणी के नाम आपको यदि पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको यक्ष और यक्षिणी के नाम बताएंगे बाद में, ठीक है। और अन्य पात्रों में मुख्यतः मेघ ले लो और कुबेर ले लो, ठीक है। बहुत अच्छी कथा है ये, बहुत अच्छा खंड काव्य है, आप लोगों ने शायद पढ़ा होगा, ठीक। चलो टेढ़ा मेढ़ा तो नहीं हो जाता है, हो जाता है तो हो जाने दो भाई, थोड़ा बहुत हो भी जाएगा तो क्या दिक्कत है, ठीक है। मेघदूतम हो गया। गीत गोविंद किनका है? गीत गोविंद किनका है? जयदेव का। रघुवंशम किनका है? कालिदास का। कुमार संभवम कालिदास, मेघदूतम कालिदास, महाकाव्य महाकाव्य खंड काव्य या गीत काव्य, ठीक है। अब बात करेंगे हम ऋतु संहार पर। ऋतु संहार, ठीक है, और ऋतु संहार है ये भी क्या है? खंड काव्य है, ठीक है। ये भी किस विधा के अंदर आएगा? खंड काव्य के अंदर आएगा। इसमें छह सर्ग हैं, ठीक है। कितने सर्ग हैं? छह। और इसका यदि अंगीरस पूछा जाएगा तो अंगीरस इसमें कुछ नहीं, अंगीरस कुछ नहीं। और आधार ग्रंथ ये कल्पित रचना है, ठीक है, कल्पना पर आधारित है। नायक नायिका इसका कोई नहीं है, छह ऋतुओं का वर्णन है, ठीक है।
छह ऋतुओं का कौन कौन सी ऋतुओं का वर्णन है वो आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है, कमेंट करके बता सकते हो किस क्रम में छह ऋतुओं का वर्णन है, कौन से क्रम में छह ऋतुएं आई हैं इसमें, ठीक है, आप कमेंट करके बता सकते हो। चलो ठीक, अब ऋतु संहार के बाद अब हम बात करेंगे अभिज्ञान शाकुंतलम पर। ऊपर बिंदी रख दी है मानव राय स्वीय अभिज्ञान शाकुंतलम काव्य विधा ये क्या है, नाटक है, ठीक है, अंक पूछे जाएंगे तो इसमें कितने हैं, 7 अंक हैं, ठीक है, रस पूछा जाएगा तो इसमें श्रृंगार रस ही प्रधान है, ठीक, आधार ग्रंथ पूछा जाएगा तो महाभारत, महाभारत का नलोपाख्यान वो नहीं, महाभारत मुख्यतः ग्रंथ महाभारत पूछा जाएगा, और महाभारत में भी यदि उपाख्यान पूछ लिया उसे तो इसकी वैसे कुछ कथा पद्म पुराण से भी है, ठीक है, तो ग्रंथ पूछा जाता है वैसे सीधे सीधे तो आप महाभारत ही ज़्यादा आया है, महाभारत ही बताएंगे, ठीक है, और यदि नायक की बात करेंगे तो दुष्यंत नायक है और शकुंतला नायिका है, ठीक है, और ये नायिका नायक और नायिका की ये कथा बहुत महत्वपूर्ण कथा है नाटकों में, हिंदी संस्कृत के जितने भी नाटक हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ नाटक माना जाता है। काव्येषु नाटकम् रम्यम् तत्र रम्या शकुंतला तत्राप चतुर्थो अंकः तत्र श्लोक चतुष्टयः, ठीक है, और अन्य पात्र तो इसमें भी अन्य पात्र बहुत हैं, यहाँ पर लिखने में स्पष्ट नहीं लिख सकते, ठीक है, जैसे महर्षि कण्व हैं, अनुसुईया है, प्रियंवदा है, ठीक है, भरत भी हैं, बहुत हैं, लेकिन यहाँ पर हम विशेष रूप से अब चर्चा नहीं कर पाएंगे, लिख नहीं पाएंगे, ठीक है, ऐसे सुनो तो सुन सकते हो, ठीक, दुर्वासा ने साप दिया था, मेनका अप्सरा की पुत्री थी शकुंतला, ठीक है, गौतमी थी, बसमती, माणव्य और मरीच, दुर्वासा, ये सब थे, ठीक है, चलो अब देखते हैं आगे। अगला अभिज्ञान शाकुंतलम के बाद अब बात करेंगे विक्रमोर्वशीयम, ये सब कालिदास की रचनाएं हैं, विक्रम उर्वशीयम, ठीक है, विक्रम धन उर्वशी, विक्रम उर्वशी ये क्या है, नाटक है, नाटक में त्रोटक है, ठीक, और अंक पूछे जाएंगे इसके नाटक के तो 5 अंक का है ये, ठीक है, 5 अंक, रस पूछा जाएगा तो श्रृंगार रस, विक्रम और उर्वशी की कथा है, ठीक है, और ये भी पूछा जाएगा तो ये भी कहाँ से दिया गया है, तो ऋग्वेद और महाभारत से लिया गया है, ठीक है, आधार ग्रंथ ऋग्वेद महाभारत, ठीक, और पूर्वा और उर्वशी नायक नायिका हैं इसके, ठीक, पूर्वा और उर्वशी, उर्वशी सही लग रहा, नायक नायिका कौन है, पूर्वा और उर्वशी, ठीक, अन्य पात्र में इंद्र है, केशी है राक्षस, कुबेर, भरत मुनि, ठीक, नारद,
कुमार आदि अन्य पात्र में, ठीक है। अन्य पात्र में एक दो लिखे दे रहे हैं हम, ज़्यादा तो उसमें वैसे भी नहीं बन रहे हैं, तो एक लिखे दे रहे हैं। इंद्र लिख दें, ये हो गया, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात ग्रंथ हो पाए हैं, अब सात ग्रंथ हो पाए भैया। चलो कोई बात नहीं, जितने हो जाएंगे उतने ठीक है। इसी पेज को आगे बढ़ा लें क्या, ऊपर कर लें तो अलग से वो नहीं करना पड़ेगा, ऐसे यहाँ तक कर ले रहे हैं यहाँ, ठीक। क्या है, पढ़ाना ही तो है, पढ़ना ही तो है। चलो भैया, अब बात करेंगे माल विकार निमित्रम, कालिदास का ही है ये। माल विकार विकाग्नि मित्रम, माल विकाग्नि मित्रम, ठीक है। बहुत महत्वपूर्ण है, ये भी नाटक है, ठीक है। कितने अंक का है, पांच अंक का है, मालविका और अग्निमित्र, ठीक है। और जब दो प्रेमियों की कथा है तो श्रृंगार रस होगा, ठीक। श्रृंगार रस कथा, इसकी इतिहास प्रसिद्ध कथा है, ठीक है। नायक अग्निमित्र और नायिका मालविका, अग्निमित्र और मालविका की कथा है, ठीक है। अन्य पात्रों में गणदास, इरावती, वसुमित्र, माधव सेन, गणदास, इरावती, ठीक। चलो ठीक है, मालविका हो गया। अब बात करते हैं गिरातार्जुनीयम की। गिरातार्जुनीयम किनका है, ये भारर का। यहां तक ये सब कालिदास के थे, ऊपर जयदेव का था, ठीक है। बृहत्त्रयी का ग्रंथ है ये, और विधा में ये क्या है, महाकाव्य है। कौन सी विधा का है, ये महाकाव्य विधा का है। और कितने सर्ग हैं, 18 सर्ग हैं ये, ठीक है। महाकाव्य है 18 सर्ग का। और रस कौन सा प्रधान है इसमें, वीर रस प्रधान है, ठीक है। रस कौन सा प्रधान है इसमें, वीर रस प्रधान है। और महाभारत से लिया गया है वन पर्व से, महाभारत, ठीक है। वन पर्व से इसकी कथा ली गई है, ठीक है। और किरात और अर्जुन की कथा है, किरात के रूप में शिव थे, ठीक है। किंकित की कथा है, और अर्जुन द्रौपदी, नायिका द्रौपदी है इसकी, ठीक है। किरात अर्जुन नायक है और नायिका द्रौपदी, ठीक है। अन्य पात्रों में तो महाभारत वाले वही पात्र हैं, वनेचर है, ठीक है, कृष्ण हैं। अन्य पात्रों में और कौन कौन है,
जो उनके साथ वाले थे भाई हैं वो सभी ठीक है, इंद्र हैं, शिव हैं, किरात रूप में, दुर्योधन है, द्रौपदी, व्यास, यक्ष, मूक, शूकर, ये सब हैं अन्य पात्रों में। चलो ठीक, अब हम बात करेंगे किरातार्जुनियम के बाद शिशुपाल वधम का। शिशुपाल वध ठीक है, शिशुपाल वधम ये भी क्या है, महाकाव्य है, महाकाव्य, और इसमें सर्ग कितने हैं तो इसमें 20 सर्ग हैं। याद रखेंगे पहले में 18 हैं, फिर 20 हैं, फिर 22 हैं, इस क्रम में सर्ग संख्या है। इसमें भी क्या है, वीर रस ही प्रधान है, इसकी भी कथा कहाँ से है, महाभारत से ही है ठीक है, और इसका नायक श्री कृष्ण और प्रतिनायक कौन है, शिशुपाल ठीक। और पर्व पूछा जाएगा तो आप बता देंगे यहाँ सभा पर्व, नायिका इसमें है नहीं, नायक इसमें श्री कृष्ण है ठीक है, और प्रतिनायक कौन है, शिशुपाल। अन्य में महाभारत वाले इसमें और पात्र हैं, जैसे भीम हैं, अर्जुन हैं, ये सब पात्र हैं इसमें ठीक है, तो चाहो तो लिख लो उन्हें, नहीं चाहो तो कोई बात नहीं। श्री कृष्ण, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, द्रौपदी, भीष्म, शिशुपाल, दुर्योधन ठीक, एक दो बनेगा, महाभारत वाले पात्र हैं आप याद रखेंगे। चलो अब शिशुपाल वधम के बाद आता है नैषधीय चरितम। नैषधीय चरितम नैषधीय चरितम ये किनका है, शिशुपाल वध किनका था, माघ का ठीक है, ये किनका था, माघ का ठीक। किरातार्जुनियम किनका था, बता दिया था आपको, भारव का था, भारव ठीक है। नैषधीय चरितम किन का है, श्रीहर्ष का है ठीक है। महाकाव्य है ये भी, बृहत्त्रयी का महाकाव्य है, ये तीनों क्रम से लिख दिए हैं, ये तीनों बृहत्त्रयी के ग्रंथ हैं, किरातार्जुनियम, शिशुपाल और महा नैषधीय चरितम ठीक है, 18, 20 और 22 सर्ग ठीक है। इसमें श्रृंगार रस प्रधान ठीक है, इसमें क्या है, श्रृंगार रस प्रधान है, इसमें वीर नहीं है, नल दमयंती की कथा है, ये भी कहाँ से है, महाभारत से। उपाख्यान नलोपाख्यान, नलोपाख्यान नलोपाख्यान कहाँ से है, नलोपाख्यान से। और नायक नल, नायिका दमयंती, नल दमयंती की कथा है नैषधीय चरितम में ठीक है। अन्य पात्र में भीम हैं, हंस हैं ठीक है, सरस्वती है, व्यतालिक है, मुख्य पात्र यहाँ हंस ले लो, स्वर हंस। चलो अब नैषधीय चरितम के बाद अब हम बात करेंगे हर्ष चरितम की ठीक है।
हर्षचरितम किनका है? बाण भट्ट का है। किनका है ये हर्षचरितम? बाण भट्ट का। ठीक। और इसकी विधा बहुत पूछी जाती है, क्या है? आख्यायिका। ठीक। और इसमें आठ उच्छ्वास हैं। ठीक। हर्षचरितम का यदि पूछा जाएगा अंगिरस तो वीर रस है। ठीक। हर्ष की वीरता का वर्णन है। हर्षचरितम वीर रस। इसके बाद इतिहास प्रसिद्ध इसकी कथा है। और नायक इसका हर्ष है या हर्षवर्धन। ठीक। नायक कौन है? हर्षवर्धन। और अन्य राजवर्धन, राजश्री आज इसके पात्र हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। अब बात करेंगे हर्षचरितम के बाद अगला। ठीक है। एक तो नाम लिखी दे, खाली जगह पड़ी रहेगी तो ठीक है। राज्यवर्धन लिखे दे। ठीक, सही दिख रहा है। लो 32 मिनट की हो गई क्लास। चलो हर्षचरितम के बाद अगला लिखे दे रहे हैं कादंबरी। ये भी किनकी है? बाणभट्ट की। किसकी है? बाणभट्ट की। कथा या आख्यायिका है? ठीक है। और इसमें दो खंड हैं, मूलतः एक खंड था। ठीक है, मूलतः एक खंड। वैसे इसके दो खंड माने गए। रस, श्रृंगार रस है कादंबरी में। ठीक है। कथा इसकी कादंबरी बृहत कथा, आधार ग्रंथ इसका है बृहत कथा गुणाढ्य का। ठीक। और इसमें जो मुख्य पात्र हैं चंद्रापीड और कादंबरी है। ठीक है। नायक इसका चंद्रापीड है और नायिका कादंबरी। इसे थोड़ा सा हटाई दे रहे हैं। ठीक है, कादंबरी। अब यह पूछा जाएगा अन्य पात्र, तो अन्य पात्र में पुंडरीक है, शूद्रक है, सुख है, चांडाल है, तारापीड है, कादंबरी, महाश्वेता, पत्रलेखा। इसी में उपदेश दिया जाता है सुकनाशो उपदेश, जो लक्ष्मी को बहुत ही निकृष्ट वस्तु बताया जाता है इसमें। ठीक है। ठीक। अब इसमें क्या क्या लिखोगे वो लिख लो आप। चलो अब बात करेंगे कादंबरी के बाद। अब हम बात करेंगे दस कुमार चरितम पर। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं, एक साथ में ही आपको सब कंटेंट मिल जाएगा, सीधे सीधे आपको तैयार करने हैं। दस कुमार चरितम किनकी रचना है? तो ये दंडी की है। ठीक है, दंडी।
दस कुमार जलतम किन की है? दंडी की, ठीक है। कथा है इसके, ये भाग पूछे जाएंगे खंड, तो तीन खंड हैं इसमें, ठीक। श्रृंगार प्रधान है, यही है मुख्य, और बृहत कथा से ही इसकी कथा ली गई है, दस कुमार जलतम, ठीक। और इसमें राजवाहन नायक है, और नायिका अवंत सुंदरी, नायिका कौन है? अवंत सुंदरी है, दस कुमार जलतम, ठीक। अन्य पात्र राजहंस है मुख्यतः, चलो इतने हो गए। चलो थोड़े से एक दो पे और बात कर ही ले रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे। चलो भैया, दस कुमार जलतम के बाद अब हम बात करेंगे मृच्छकटिकम पर। बहुत महत्वपूर्ण है ये, शूद्रक का नाटक है, इसकी विधा प्रकरण है, ये बहुत पूछा जाता है प्रकरण, ठीक है, ये चीज बहुत बहुत पूछी जाती है प्रकरण, ठीक है। किस विधा का है? प्रकरण। प्रकरण में अंक कितने होते हैं? दस अंक होते हैं, दस अंक का नाटक प्रकरण होता है, ठीक है। और मुख्यतः श्रृंगार, रस कौन सा है? श्रृंगार ही है। इतिहास और कल्पना प्रसिद्ध कथा है इसकी, ठीक है। और अब नायक और नायिका की बात पूछी जाएगी, तो चारदत्त और बसंत सेना, ठीक है। चारदत्त कौन है? नायक चारदत्त, और नायिका बसंत सेना, ठीक है। प्रकरण के नायक कैसे होते हैं हमने एक बार आपको बताया था। बसंत सेना के बाद आप क्या बात करेंगे इसमें? वो ये करेंगे कि इसमें सकार, मदनिका और पात्र हैं, ठीक है। शका, मदनिका अन्य पात्र हैं इसके, ठीक। चलो बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे इसे, भूलेंगे नहीं। चलो अब इसके बाद बात करेंगे, क्या टाइम हो रहा है? एक रचना पे और बात करेंगे, अभी तो रचनाएं बहुत बची हुई हैं, ठीक है। चलो रत्नावली पे कर ही ले रहे हैं, रत्नावली, ठीक है। और रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन, ठीक है। और ये क्या है? नाटिका है, नाटिका। अंक कितने? चार अंक की नाटिका है ये, ठीक है। छोटी सी नाटिका है, चार अंक की, ठीक। और इसकी कथा श्रृंगार रस है, और इतिहास और कल्पना
ये भी इतिहास और कल्पना था और ये भी सेम इतिहास और कल्पना है। ठीक है, अब रत्नावली की के नायक उदयन है और नायिका रत्नावली है। उदयन, ठीक है, और रत्नावली, ठीक। रत्नावली का दूसरा नाम सागरिका भी, और वासवदत्ता, वसुंधरा, योगंधरायण, अन्यपात। चलिए, क्लास बहुत बड़ी हो रही है, इतना ही बहुत है, ठीक है। ये इतना महत्वपूर्ण हमने आपको करा दिए, सारे ही महत्वपूर्ण है, ये सब आपको पढ़ने हैं, ठीक है, और तैयार रखने हैं परीक्षा के लिए, एकदम खास हैं। और आशा और विश्वास है कि ये कंटेंट आपको ज़रूर पसंद आएगा, ठीक। तो क्लास से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे फिर। राधे राधे।